हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खरे। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 2004 में हुई एक गेम की है जो खेली गई थी भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण पैंताला और रोमेनियन ग्रैंड मास्टर लिव्यू दियतर निसिपियानो के बीच में। और फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान हरिकृष्ण की रेटिंग 2609 थी, वहीं निसिपियानो की रेटिंग 2686। और फ्रेंड्स, ये हरिकृष्ण की कुछ बेहतरीन गेम्स में से एक है। और ऐसा बेहतरीन इस गेम में आखिर है क्या, वो हमें इस गेम को देखकर ही पता चलेगा। यहाँ गेम की शुरुआत की हरिकृष्ण ने d4 के साथ, तो नाइट f6 देन c4 e6 नाइट c3 बिशप b4 मिम्जो इंडियन डिफेंस, तो क्वीन c2 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया a3 बिशप पर अटैक और बिशप टेक c3 चेक, क्वीन टेक c3 देन d6 f3 c5 d takes c5 d takes c5 देन नाइट h3। और फ्रेंड्स, यहाँ वाइट ने अपनी पोजीशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है कि वो आराम से अब यहाँ कैसल तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और मेरे ख्याल से वाइट की इंटेंशंस यहाँ कैसल करने की है भी नहीं। वाइट ज़रूर अपने इस नाइट को f2 स्क्वायर पर लाकर किसी एक बेटर स्क्वायर पर ले जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अभी मूव ब्लैक का है। तो ब्लैक ने यहाँ किया नाइट c6 देन नाइट f2 e5 देन e3 तो e4। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक का ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो यहाँ वाइट के इस पॉन स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छी खासी वीकनेस क्रिएट कर सकता है। तो अभी यहाँ हरिकृष्ण ने किया f4 और अब यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस हैं। मुझे एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन नज़र आ रही है बिशप को g4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक क्रिएट करने की। और ऐसा करने के बाद वाइट की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ लिव्यो ने किया नाइट g4 और उन्होंने यहाँ नाइट एक्सचेंज ऑफर दिया। और अब यहाँ वाइट क्या कर सकता है, नाइट टेक c4 तो उसके बाद क्वीन e7 नाइट पर अटैक होगा, तो नाइट वापस e2 स्क्वायर पर देन रुक e8 नाइट टेक g4 बिशप टेक g4 और ब्लैक अब यहाँ एक और चेक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेक वाइट को दे सकता है। लेकिन यहाँ हरिकृष्ण ने किया h3, उन्होंने यहाँ पहले इस नाइट पर अटैक बनाया, तो ये नाइट कहाँ जाएगा? क्या ब्लैक को यहाँ नाइट एक्सचेंज कर लेने चाहिए नाइट टेक्स f2? और अगर यहाँ सी गेम आगे बढ़े तो किंग टेक्स f2 देन क्वीन h4 चेक, अगर ब्लैक यहाँ एक चेक दे तो उसके बाद g3 और यहाँ ये गेम इक्वल हो जाएगी। हाँ, ब्लैक की पोजीशन अभी भी क्रैम्प्ड ही रहने वाली है। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने अपने नाइट को वापस h6 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो g4 देन क्वीन h4 नाइट को यहाँ पिन किया, तो रुक g1 रुक d8 b4। और फ्रेंड्स, यहाँ इस रुक के d8 स्क्वायर पर आने के बाद एक बात तो क्लियर है कि ब्लैक के पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स है वाइट के किंग को ट्रैप करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ शायद हरिकृष्ण ने अपने रुक को g1 स्क्वायर पर प्लेस किया था। लेकिन लिव्यो ने यहाँ किया रुक d1 चेक और उन्होंने यहाँ अभी कोई स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं बनाया। और यहाँ उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? वाइट इस रुक को ले सकता है, अगर वो यहाँ करे किंग टेक्स d1 तो उसके बाद क्वीन टेक्स f2 और यहाँ ब्लैक का अटैक अब इस रुक पर होगा। और वाइट यहाँ क्या करे, अगर वो रुक को बचाए सपोज रुक h1 तो उसके बाद क्वीन f3 चेक किंग और रुक पर फोक होगी किंग c2 क्वीन टेक्स h1 और इस तरह यहाँ ब्लैक एक पीस एक्स्ट्रा जीत चुका होगा। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से हरिकृष्ण ने किया किंग e2 और इसके बाद यहाँ लिव्यो ने अपने रुक को बचाया वापस d8 स्क्वायर पर ले जाकर देन बिशप b2 और यहाँ सीधा चेकमेट की थ्रेट। और अब यहाँ ब्लैक का इस चेकमेट से बचने के लिए क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही मूव बचता है f6 तो b5 नाइट पर अटैक, तो ये नाइट वापस e7 स्क्वायर पर और इसके बाद कहीं जाकर वाइट ने इस e4 पॉन को लिया अपने नाइट से, नाइट टेक c4 नाइट टेक g4 ब्लैक ने वही थ्रेट लगाई जिसको भी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। और वाइट यहाँ बिल्कुल भी इस नाइट को नहीं ले सकता, अगर वो यहाँ करे h takes g4 तो उसके बाद बिशप टेक्स g4 चेक और इस चेक या चेकमेट से बचने के लिए वाइट को यहाँ अपने रुक को ब्लैक के बिशप के बदले में देना होगा रुक टेक्स g4 देन क्वीन टेक्स g4 चेक और किंग f2 और फिर वही बात की पोजीशन वाइट के लिए इतनी कम्फर्टेबल नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ इस पोजीशन से वाइट ने इस नाइट को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया बिशप g2 अपने नाइट पर डिफेंस किया देन नाइट h6 नाइट टेक्स f6 चेक। और फ्रेंड्स, यहाँ ये नाइट टेक्स f6 चेक, आखिर वाइट ने अपने इस नाइट को क्यों सेक्रीफाइस कर दिया? बिल्कुल क्लियर है कि वाइट का ये रुक ब्लैक की किंग के सामने रखा।
रखा है। और ब्लैक अब चाहे इस नाइट को कैसे भी ले, क्वीन से ले तो भी वही बात पड़ेगी। अगर ब्लैक क्वीन टेक्स एफ सिक्स करे तो उसके बाद क्वीन टेक्स एफ सिक्स, जी टेक्स एफ सिक्स, देन बिशप टेक्स बी सेवन चेक, डिस्कवर्ड चेक ऑन दिस किंग, देन किंग एफ सेवन एंड बिशप टेक्स ए एट, और ब्लैक को यहाँ अपना रुक गंवाना होगा। तो ब्लैक के हाथों से यहाँ ये ए एट रुक तो गया। यहाँ लिवियो ने किया था जी टेक्स एफ सिक्स। हरे कृष्ण को आखिर और चाहिए भी क्या था, बिशप टेक्स बी सेवन चेक, देन किंग एफ सेवन, बिशप टेक्स ए एट। और अब यहाँ लिव्यू क्या कर सकते थे, एक ऑप्शन थी कि वो यहाँ अपने बिशप को एफ फाइव स्क्वायर पर ले जाए और पहले यहाँ वाइट के बिशप पर अटैक बनाए, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़े तो उसके बाद बिशप जी टू, देन बिशप डी थ्री चेक, और अब यहाँ एक काफ़ी डेंजरस बिशप इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर ब्लैक के लिए प्लेस हो सकता है। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था बिशप टेक्स एच थ्री, और उन्होंने यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉन जीता, डिस्कवर्ड अटैक ऑन दिस ए एट बिशप, देन बिशप एफ थ्री, बिशप जी फोर। वैसे तो फ्रेंड्स अगर यहाँ वाइट चाहे तो इस गेम को काफ़ी हद तक अपने फेवर में कन मोड़ सकता था, वो यहाँ इस एफ सिक्स पॉन को ले सकता था क्वीन टेक्स एफ सिक्स चेक, और ऐसा करके हालांकि वो एक पीस डाउन ज़रूर हो जाता, लेकिन उसके यहाँ ये दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासर्स ब्लैक को इस गेम में कुछ खास करने नहीं देते। अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो क्वीन टेक्स एफ सिक्स, देन बिशप टेक्स एफ सिक्स, बिशप टेक्स एफ थ्री चेक, किंग टेक्स एफ थ्री, देन किंग टेक्स एफ सिक्स, और इसके बाद रुक एट ए गोज़ टू डी वन, देन रुक टेक्स डी वन, रुक टेक्स डी वन, और अब इस गेम में आई थिंक यहाँ ये दो कनेक्टेड पॉन्स और यहाँ ये दो पॉन्स ब्लैक के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होते। लेकिन हरे कृष्ण ने यहाँ पहले किया रुक जी टू, तो नाइट एट ए गोज़ टू एफ फाइव, देन रुक एट ए गोज टू जी वन, अपने रुक्स की बैटरी तैयार की यहाँ वाइट ने, बिशप टेक्स एफ थ्री चेक, किंग टेक्स एफ थ्री, और फाइनली यहाँ ब्लैक ने पीसीज एक्सचेंज करने शुरू कर दिए। और अब यहाँ ये गेम किस तरह से खेलनी चाहिए, ब्लैक अगर यहाँ चाहे तो इस गेम को ड्रॉ करा सकता है, क्योंकि यहाँ ये डी फाइल इस रुक ने कवर की हुई है और ब्लैक के पास अपने इस क्वीन से कंटिन्यूस चेक देने की ऑप्शन है। वो यहाँ कर सकता है क्वीन एच फाइव चेक, तो ये किंग एफ टू स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन एच फोर चेक, किंग एफ वन, ओके रुक डी वन चेक, तो किंग ई टू, देन क्वीन एच फाइव चेक, किंग एफ टू, क्वीन एच फोर चेक, और यहाँ फोर्सफुली ये गेम ड्रॉ हो सकती थी। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया रुक ई एट, और उन्होंने यहाँ पहले इस ई थ्री पॉन पर अटैक बनाया, और उनकी तैयारी यहाँ किंग क्वीन पर फॉक लगाने की है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ हरी कृष्ण ने काफ़ी अजीब उगरी मूव चला। और फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, और क्या आपको यहाँ वाइट के लिए कुछ ऐसा मूव समझ में आता है जो ब्लैक को काफ़ी हद तक चेकमेट के क्लोज ले जाए। यहाँ हरी कृष्ण ने किया था रुक एच टू, और उन्होंने यहाँ अपना रुक सेक्रीफाइस कर दिया, आप कह सकते हैं कि क्वीन पर अटैक बनाया जो भी। और ये मूव मैं अक्सर कहता हूँ कि डेलिब्रेट है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर यहाँ ब्लैक करे क्वीन टेक्स एच टू, तो उसके बाद सिंपल क्वीन टेक्स एफ सिक्स चेक एंड मेट, क्योंकि यहाँ इस रुक के ई एट स्क्वायर पर आने के बाद वाइट का किंग ऑलमोस्ट स्टेलमेट की कंडीशन पर था, बस उसे यहाँ एक चेक ही देनी थी वो भी क्वीन से। इसलिए यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक अपनी इस क्वीन को एच फोर स्क्वायर से नहीं मूव कर सकता, तो उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स ई थ्री चेक, और वाइट का एक एक्स्ट्रा पॉन जीता, क्योंकि वाइट ने यहाँ किया था क्वीन टेक्स ई थ्री। और अगर यहाँ ब्लैक डिसाइड करे कि वो इस नाइट को लेगा, तो वाइट यहाँ पहले इस क्वीन को और उसके बाद ब्लैक के नाइट को आराम से ले सकता है। तो लिवियो ने यहाँ किया क्वीन टेक्स एच टू, देन क्वीन टेक्स सी फाइव, और क्या ब्लैक के पास यहाँ कुछ तरीका है इस लॉस को कंट्रोल करने का, वो यहाँ कर सकता है क्वीन एच फाइव चेक, कुछ फोर्सफुल चेक दे सकता है, देन किंग एफ टू, तो क्वीन एच टू चेक, और इसके बाद किंग एफ वन, देन क्वीन टेक्स बी टू, और इस तरह यहाँ वाइट का बिशप उसके हाथ से निकल सकता है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने एक चेक तो दी, लेकिन अपने नाइट से, नाइट एच फोर चेक, और ये मूव थोड़ा क्वेश्चनेबल है। तो किंग ई फोर, क्वीन ई टू चेक, किंग डी फाइव, नाइट एट सिक्स गोज टू एफ फाइव, देन किंग सी सिक्स, और वाइट ने अपने किंग को सेफ रीजन में ले जाकर प्लेस्ड कर दिया है। और ब्लैक यहाँ भी इस बिशप को बिल्कुल आराम से ले सकता है, और उन्होंने लिया भी, लेकिन क्या ब्लैक के पास कुछ और ऑप्शंस थी, क्या वो यहाँ कुछ और चेक्स दे सकता है, नाइट ई सेवन चेक, अगर यहाँ ब्लैक करे तो क्या होगा, किंग बी सेवन, देन क्वीन टेक्स बी टू, कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं।
यहाँ लिवियो ने पहले इस b2 पॉन को ही लिया, क्वेंटेक्स b2। और फ्रेंड्स यहाँ हरे कृष्ण का फाइनल मूव क्वीन d5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद लिवियो ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका एक किंग किसी भी तरीके से जी फाइल पर नहीं जा सकता। तो ये किंग सिर्फ e7 या f8 स्क्वायर पर ही जाएगा, लेकिन इसके बाद क्वीन d7 चेक, तो किंग f8, देन क्वीन d8 चेक, किंग f7, क्वीन g8 चेक, देन किंग e7, क्वीन टेक्स h7 चेक। और अब इस चेक से बचने के लिए ब्लैक क्या करे, अगर वो यहाँ 8th रैंक में जाए तो सीधा रुक g8 चेक और मेट होगी, और अगर ब्लैक यहाँ अपने किंग को वापस 6th रैंक में ले आए तो उसके बाद सिंपल रुक e1 चेक, और ब्लैक को यहाँ फिर दोबारा चेकमेट देखनी होगी। तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, नाइट g7, लेकिन इसके बाद रुक टेक्स g7 चेक, किंग e6, देन रुक e7 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स क्या कमाल की टैक्टिकल गेम है, यहाँ दोनों ही खिलाड़ियों की टैक्टिकल कैलकुलेशंस लाजवाब थी। जितना भी मैं कुछ इस गेम में दिखाने की कोशिश कर पाया था शायद वो काफ़ी कम था। इस वीडियो में और भी बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, लेकिन एक 10-12 मिनट की वीडियो में इससे ज़्यादा निकालना इतना आसान नहीं होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।